गुड आफ्टरनून, दिस इज़ द कॉन्टिन्यूशन वीडियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्लास 12th एंड वी आर एट क्वेश्चन नंबर 14 विच सेज फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो क्लास दो इक्वेशन दे रखी हैं, पहली है x प्लस वाई इक्वल टू 60, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली है 60 माइनस x, और दिया हुआ एक्स वाई क्यूब मैक्सिमम है। ये y की वैल्यू पहले इसमें सब्सिट्यूट कर दिया, ये इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर मैंने y के प्लेस पे लिखा है 60 माइनस एक्स, तो अब इक्वेशन है p इज इक्वल टू x ब्रैकेट 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। इसे आप u मानिए और इसे v मानिए, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 60 एक कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है, माइनस एक्स का हो गया माइनस 1, प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू एक्स का डेरिवेटिव है 1, तो ये आ गया 3x माइनस 3x हो जाएगा ब्रैकेट 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। तो क्लास यहाँ ध्यान से देखिए, आप 60 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया ये माइनस 3x और यहाँ एक 60 माइनस एक्स बच जाएगा, होल क्यूब था होल स्क्वायर है बाहर आ गया, राइट, एक बच गया अंदर। यह है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x, वो कह रहा है ये मैक्सिमम है, राइट, तो ये dp बाई dx आया। तो अगला स्टेप आपको पता है, वैसे तो आप एक और काम कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले तरीके से ही हम कर रहे हैं, dp बाई dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग ले लीजिए, इधर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 और 60 माइनस 4x इक्वल टू 0, इसे स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ x आ जाएगा 60, तो ये रिजेक्ट कर दिया क्योंकि x अगर 60 हो जाएगा यहाँ पर तो y 0 हो जाएगा, राइट, y इक्वल टू 60 माइनस x था, तभी इस वजह से इसे तो नेगलेक्ट कर दिया है। यहाँ दूसरी वैल्यू निकालेंगे, 60 इक्वल टू है 4x, x आ जाएगा 60 बाय 4, x आ गया 15, राइट, x अगर 15 आ गया तो y कितना आ रहा है, y 45 आ जाएगा, तो ये वैल्यू थोड़ी सही लग रही है। अब वो मैक्सिमम इससे चेक कर लेते हैं, एक बार देखते हैं x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 15, तो x की जगह 16 लेते हैं और इसे पुट करते हैं हम dp बाय dx में। आप सबको प्रोसीजर पता ही है, तो dp बाय dx था हमारा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 60 माइनस 4x, तो 60 माइनस 16 वैसे तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव भी आता तो नेगेटिव का होल स्क्वायर यू नो पॉजिटिव ही होता है, और 60 माइनस 4 इंटू 16 तो ये हो जाएगा 60 माइनस 64, तो ये नेगेटिव आएगा, राइट, तो इसी वजह से प्लस इंटू माइनस आंसर इसका नेगेटिव आ रहा है। लेकिन पहले आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, हमें लेस देन 15 वाली पुट करनी है, मैंने काफ़ी बार ये बताया, तो लेस देन क्योंकि साइन हमेशा लेस देन 15 टू ग्रेटर देन 15 जाएगा, तो लेस देन 15 मतलब x को 14 पुट कीजिए और dp by dx का साइन देखिए, 60 माइनस 14 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, और 60 माइनस 4 इंटू 14 मतलब 4 इंटू 14 है 56, तो 60 माइनस 56 प्लस ही आएगा, तो प्लस का स्क्वायर प्लस इंटू प्लस, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, बड़े से छोटा हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, तो देयरफॉर ये लोकल मैक्सिमम है एट x इक्वल टू 15। तो मैक्सिमम तो उन्होंने पहले भी बोला था, मैंने क्रॉस चेक भी कर दिया, ठीक है ना, कि भाई मैक्सिमम है भी या नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल पी जो है वो मैक्सिमम है एट एक्स इक्वल टू 15। तो एक नंबर हमारा एक्स था, तो दूसरा था 60 माइनस एक्स, यानी कि 60 माइनस 15 हो जाएगा 45। नंबर तो क्वाड्रेटिक में क्लास 10th में या लीनियर इन टू वेरिएबल में आप सॉल्व करते ही आए हैं, इस बार मैक्सिमम मिनिमा ज़रा चेक करना होता है, राइट। नेक्स्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16, राइट, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। चलिए चेक करते हैं, दो नंबर x और y माने हैं, पर y हो जाएगा 16 क्योंकि दोनों जो नंबर हैं उनका सम 16 दिया हुआ, तो एक आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक अगर x है तो दूसरा 16 माइनस x है। अब कह रहा है द सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो ऐसे मान लीजिए इनके क्यूब हो जाएंगे कैपिटल S इज इक्वल टू 16 माइनस x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। अब इसे डेरिवेट कीजिए, इसे
विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, यहाँ इसका डेरिवेटिव होगा 3 (16 - x) माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 16 - x, 16 का 0 है और x का -1 है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आ गया 3x स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 3 (16 - x) का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन सिर्फ 3 ही दिख रहा है कॉमन, तो 3 ही ले लीजिए और ये बच गया x² - 16 - x का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे 16 - x का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर है, a² + b² - 2ab, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, अंदर बच रहा है x² - 256 - x² + 32x, x² से x² कट कर दीजिए तो बच रहा है 3 (32x - 256, ठीक है, तो इतना बच गया। आगे आपको पता ही है ds/dx को 0 के इक्वल पुट कीजिए तो आ जाएगा 3 (32x - 256 = 0, तो ये आ जाएगा 32x - 256 = 0/3, यानी कि 0, यानी कि 32x = आ जाएगा बेटा 256, ये 8 पे जाता है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो x आ गया हमारा कितना 8 आ गया, राइट। अब एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, वैसे तो आपकी मर्जी है 8 > 8, उस पर साइन भी चेक कर सकते हो, पर एक और तरीका है क्योंकि डबल डेरिवेटिव से हो रहा है ये, 3 तो कांस्टेंट है, इसे ऐसे लिख लीजिए, ये 32x माइनस जो भी आएगा 256 × 3, तो 32x का इसका डेरिवेटिव करोगे, डबल डेरिवेटिव 32x का आ गया 32 और इसका आ गया 0, तो 32 आ रहा है, अच्छा 32 × 3 भी है, राइट, तो ये 96x लिख सकते हैं आप इसे, माइनस ये जो भी आएगा, राइट, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ही होने वाला है, तो बेटा 96 आ रहा है अगर इसको डेरिवेट करोगे तो, 96 > 0, आप सभी को पता है जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा होता है, तो इन्होंने भी हमें कहा था कि भाई क्यूब जो है ये मिनिमम है, इन दोनों के क्यूब का सम, तो मिनिमम आ गया, हम कह सकते हैं कि भाई ये जो कैपिटल एस है ये मिनिमम है एट x = 8 पर, राइट, ओके। एक अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है क्लास, ध्यान दीजिएगा, पहले मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। 17, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 cm इज टू बी मेड इन टू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाई कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, वट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर बॉक्स टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, राइट। तो ये 17 क्वेश्चन है, इसके लिए पहले मैं फिगर आपको बनाना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा, स्क्वायर बॉक्स बना लीजिए आप, एक स्क्वायर बना लीजिए, कुछ ऐसे बनाइए कि इसके अंदर भी यू नो, ऐसे क्वेश्चन हमने 6, 7, 8 में काफ़ी किए हैं अगर आपको ध्यान हो तो, ओके, कह रहा है एक स्क्वायर पीस था टिन का जिसकी पूरी साइड थी 18 cm, ये स्क्वायर है ABCD, इसकी साइड है 18, अब कह रहा है कोई साइड कट की गई है, तो वो मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर कट कर रखी है, राइट, हर जगह से ये x ही होना चाहिए बेटा, ये चारों तरफ से, ये हर तरफ से x होना चाहिए, याद रखना, आप इसे भी ऐसे ज्वाइन कर दीजिए और ये अंदर वाले का नाम दे दिया PQRS, आई रिपीट, अंदर वाले का नाम है PQRS, अगर आप देखो ये निकालोगे तो ये जो अंदर वाला है ना जो कट करना है, इधर भी x इधर भी x, तो ये हो जाएगा 18 - 2x, और सेम वे में इसकी लेंथ भी यही हो जाएगी और ब्रेड भी यही हो जाएगी, तो ये अंदर वाला जो है ये भी स्क्वायर हो जाएगा, कहने का मतलब है, ठीक है ना, तो जो बॉक्स है ये क्यूबॉइडल बॉक्स है, इसकी LBH, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला था बॉक्स कट किया गया, ठीक है ना, क्यूबॉइडल बॉक्स है PQRS जिसकी लेंथ है 18 - 2x, लेंथ और ब्रेड तो ये सेम ही है और जो हाइट है उसकी वो x है, तो वॉल्यूम LBH होता है आपको पता है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x (18 - 2x) का होल स्क्वायर आएगा, बेटा ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्लैप्स बनाए गए हैं, तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, वॉल्यूम मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए, तो सबसे पहले हम निकाल के देखेंगे dv/dx, प्रोडक्ट रूल लग रहा है आपके सामने,
u इंटू वी डैश, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट 18 माइनस 2x होल की पावर 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 18 माइनस 2x, 18 का 0 और माइनस 2x का माइनस 2, प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव जो है वो 1 है। तो dv by dx में ध्यान से देखिए क्लास, 18 माइनस 2x जो है वो कॉमन आ रहा है राइट, और अंदर बच जाएगा ये 2, ये x और माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस एक 18 माइनस 2x बाहर आ गया, अंदर बच गया 18 माइनस 2x। इसे सॉल्व कीजिए, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, ये dv by dx आ गया। अब आपको अगला प्रोसीजर पता ही है, dv by dx को 0 के इक्वल पुट कीजिए, तो या तो एक बार 18 माइनस 2x 0 और या 18 माइनस 6x 0। यहाँ से x की एक वैल्यू आ रही है 9 और यहाँ से 6x अगर 18 है तो x आ रहा है 18 बाय 6 3, तो एक वैल्यू 9 आ रही है पॉसिबल, एक 3 आ रही है राइट। डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए क्लास, सबसे आसान तरीका है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। अगर आप dv by dx को देखें, फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, 18 माइनस 2x एज इट इज, 18 माइनस 6x का डेरिवेटिव 18 का 0 माइनस 6, वेरी राइट, प्लस 18 माइनस 6x एज इट इज इंटू 18 माइनस 2x माइनस 2, वेरी गुड। इसे सॉल्व कीजिए, माइनस 108 प्लस 12x माइनस 36 प्लस 12x, तो ये आ रहा है 24x माइनस 108 माइनस 144 राइट। आप क्या करोगे, ये जो वैल्यू आई है इसमें पुट करके देखेंगे, 9 वाला पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्लास, इसे नेगलेक्ट करना है, क्योंकि 9 वाला पॉसिबल होगा तो ये 18 माइनस 2x था, तो 18 माइनस 2 इंटू 9 तो ये 0 हो जाएगा राइट। इसलिए क्या करेंगे हम, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 3 पे चेक करेंगे पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो मिनिमा, लेस देन ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो उल्टा होता है, इसमें भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ देखिए माइनस 72 आ रही है विच इज़ लेस देन ज़ीरो, तो मैक्सिमा होगा राइट। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 3। मैं तो ये कहूँगा 10th और उसी के ये बेसिक नॉलेज, बस डिफरेंस इतना है इसमें वॉल्यूम वगैरह निकालना होता है राइट। एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं, 19 क्वेश्चन, show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. तो कह रहे कितने भी रेक्टेंगल अगर बनाए जाएं एक fixed circle के अंदर, तो ऐसे सर्कल बनाना है इसके टॉप को टच करते हुए जाए चारों, लेंथ रेक्टेंगल की x मान लीजिए, शुरू में ब्रेथ मान लीजिए y, और सेंटर इसका ओ है और ये रेडियस ओ सी है राइट। तो क्लास लेंथ और ब्रेड जो रेक्टेंगल की है, सर्कल की रेडियस मैंने स्मॉल ए मानी है, सारा लिखी दिया फिगर में, लेंथ एक्स है और ब्रेड वाई है। तो आपको सर्कल की इक्वेशन पता होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रेडियस जो है स्मॉल ए मानी, तो डायमीटर हो जाएगा कितना, 2r होता है तो ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। आपको सर्कल की इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस की जगह, लेकिन यहाँ पर हम ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस लगा रहे हैं राइट। आप देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये रेक्टेंगल है, एंगल बी 90 होगा, तो ये एसी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, ये 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा राइट। तो एक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट x प्लस y, तो x की जगह तो x रहने दीजिए, यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, y स्क्वायर इक्वेशन 1 से हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y हो जाएगा रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं और डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं, x की जगह x और y की जगह रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसने बोला था भाई अगर स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया है तो दो बार डेरिवेट करना पड़ेगा बेटा, पहली बार कीजिए इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, 2 का एज इट इज कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, x का 1 रूट x का होता है 1 बाय 2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू d बाय dx ऑफ दिस, 4a स्क्वायर का 0 और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x राइट। 2 से 2 कट कर दीजिए, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे इसमें राइट। 1
ये आएगा माइनस एक्स अपॉन में रूट ऑफ 4a² माइनस x² राइट। तो ऐसे आ जाएगा, ये पी डैश एक्स आया आपको। अगला प्रोसीजर आपको पता ही है, सीधा डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है। डबल डेरिवेटिव इसका निकालते हो, 2 एज इट इज़, 1 का कांस्टेंट है 0, और इसमें u बाय v लग रहा है, ध्यान से देखिए, वो भी माइनस बाहर है। तो अंदर ऐसे हो जाएगा 4 डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, x का डेरिवेटिव है 1 माइनस न्यूमिनेटर यानी x इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये रूट x की फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 4a² माइनस x², फिर उसके बाद 4a² का 0 और x² का 2x। थोड़ी सी बड़ी है, डबल डेरिवेटिव निकालना है एक्चुअली, तो यहाँ इसे सॉल्व कीजिए, माइनस बाहर था, अब हमें इसे अच्छे से सॉल्व करना बेटा, ध्यान दीजिए ये माइनस 2 हो गया, यहाँ पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, मैं इसे इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ये ऐसे है 4a², यहाँ एक 2 से 2 कट रहा है, ये माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स x² अपॉन में ऐसे है 4a² माइनस x², और यहाँ 2 से भी ये स्क्वायर रूट कट रहा है, वो अपॉन में है 4a² माइनस x², यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम आ गया 4a² माइनस x², दिस बाय दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा 4a² माइनस x² प्लस x², x² से x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो हमारे पास बच रहा है माइनस 2 इंटू 4a², ये नीचे आएगा रूट है और एक 1 है, तो ये 4a² माइनस x² होल की पावर 3/2 हो जाएगा, पूरा सॉल्व होल करके आ जाएगा माइनस 8a² अपॉन 4a² माइनस x² होल की पावर 3/2। ये नेगेटिव आ रहा है बेटा, माइनस है बाहर, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो तो आपको पता है मैक्सिमा होता है राइट। आगे प्रोसीजर आपको पता ही है, पी डैश एक्स जो आया था उसे जीरो के इक्वल पुट कीजिए, 2(1) माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 4a² माइनस x², हमें x की वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पर, किस पर मैक्सिमम, इसे जीरो के इक्वल पुट कीजिए, 2 राइट साइड में जाएगा, 0 हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 4a² माइनस x² इक्वल टू 0, माइनस इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 1x अपॉन में 1 इज इक्वल टू x अपॉन में रूट ऑफ 4a² माइनस x², दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, तो आ जाएगा 1 इक्वल टू x² अपॉन में 4a² माइनस x², मल्टीप्लाई कीजिए 4a² माइनस x² इक्वल टू x², 4a² इज इक्वल टू 2x², 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो x कितना आ रहा है, रूट 2a आ रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना। अब बेटा ये जो x की वैल्यू रूट 2a आई है, ये पी डबल डैश x में x के प्लेस पे आपको रूट 2a पुट करना है, तो पता चल जाएगा। अगर आपको ध्यान हो वो कितना आया था, माइनस 8a² अपॉन में 4a² माइनस x² आया था, और x² था, तो x² की जगह रूट, x की जगह रूट 2a और x² हो जाएगा 2a², तो x² की जगह 2a² पुट कर देंगे, होल की पावर था ये 3/2 अगर ध्यान हो तो। तो ये हो जाएगा माइनस 8a² अपॉन में 2a² होल की पावर 3/2, ये हो गया माइनस 8a² 2 की पावर 3/2, मतलब 2 रूट 8 है ये राइट, और ये a² की पावर 3/2 a³ है, a² से ये कट गया, और रूट 8 को लिख सकते हैं रूट 8 इंटू 8। तो ये सॉल्व वॉल्व करके बेटा सारा ये पी डबल डैश मतलब x की वैल्यू रूट उस पर निकालनी है, ये आ रहा है माइनस रूट 8 अपॉन में a आ रहा है राइट, ओके। पी डबल डैश x की वैल्यू मतलब ये मैक्स, हमने पहले ही बता दिया था ये मैक्सिमम होगी, तो एक काम आप क्लास ओवर भी कर सकते हैं, x की वैल्यू ये जो रूट 2a आई है और इक्वेशन थी x² प्लस y² उसमें ज़्यादा आसान रहेगा, x² प्लस y² इक्वल टू क्या थी इक्वेशन, 4a² अगर आपको ध्यान हो, तो x की जगह डायरेक्टली ये करने की बजाय ना आप क्या कर सकते हैं, अब हमें इतना तो पता ही चल गया था मैक्सिमम है ये x² x इक्वल टू रूट 2, ये वाला पार्ट छोड़ देना आप, इसे करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली x की जगह रूट 2a इसमें डाल दो जो मेन सर्कल की इक्वेशन थी, तो आ जाएगा ये 2a² आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2a², तो y आ जाएगा बेटा रूट 2a, ठीक है ना, और x भी रूट 2a आया था, तो x और y बराबर है, मतलब वो x और y बराबर कब होंगे, लेंथ और ब्रेड्थ अगर रेक्टेंगल के बराबर हैं तो वो स्क्वायर है, ठीक है, तो देयरफॉर
जो रेक्टेंगल है इज अ स्क्वायर ऑफ साइड रूट टू ए. विल डिस्कस मोर वर्ड प्रॉब्लम्स. थैंक यू क्लास.